Hey guys, welcome back to my channel once again. तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास एक नई भर्ती का विज्ञापन पहुंच गया है। पद कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, स्केलर, सहायक लेखाकार, लौंगिक अधिकारी। पदों पर सीधी भर्ती हेतु उत्तराखंड वन विकास निगम ने जो है UK 888 और UK PSC को अधिसूचना भेज गए हैं। कुल कितने पद हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली, क्या सैलरी होने वाली, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं 243 यानी कि 243 पोस्टेज पे जो है अधिसूचना भेज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ जो है यहां पर लिखा गया, उत्तराखंड वन विकास निगम ने 240 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो है विज्ञप्ति के लिए जो है अधिसूचना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले उत्तराखंड वन जो विकास निगम ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह गौ के सीधी भर्ती के लिए पदनाम स्केलर और सहायक लेखाकार के सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना भेजा है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में आपको एक वीडियो दे दिया है 2-3 दिन पहले। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके उसको आप ज़रूर देखें। उसके अलावा 200 और सहायक लेखाकार के 31 यहाँ पर है टोटल यहाँ पर भर्ती होने वाले। और स्केलर का जो क्रम होगा वो वन रक्षक स्तर का होगा। इसके लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम आपको डिटेल सिलेबस बताएंगे। और उसके अलावा इसमें फिजिकल भी होगा, लेवल 2 की जॉब है। इस तरह से आप देख सकते हैं सहायक लेखाकार के भी है, हालांकि इसको लेकर हमने डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर सहायक लेखाकार की जो क्वालिफिकेशन होगी BBA और स्नातक होगी यानी कि BCOM आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो अधियाचन अलग से भेजा गया है, ये तो अधियाचन की बात हो गई UK 888 को, और जो UK PSC यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो अधियाचन भेजा गया है वो भेजा गया है लौंगिक अधिकारी के लिए यानी कि 12 पोस्टों के लिए, यानी कि कुल मिला के 243 पर यहां पर आप देख सकते हैं, जिसकी परीक्षा सहायक वन रक्षक के स्तर की होगी। निगम के मैनेजमेंट निदेशक DJK शर्मा के मुताबिक निगम में फील्ड स्तर पर कार्मिकों की काफ़ी कमी होने के कारण लौंगिक संबंधी कार्य भी जो है इफेक्टिव हो रहे हैं। इन पदों पर नई भर्ती होने से कार्मिक दक्षता पर जो है बढ़ोतरी होगी और अच्छे से काम होगा। तो फिलहाल आप वेट करिए, ये जो फॉर्म है आपके जुलाई के आसपास या तो आपको जुलाई के मिड में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से, ये जो है पद जो है आने वाले हैं बहुत जल्द। तो अपने तैयारियों को आप अच्छे से इंतजाम जो है दीजिए, और भी क्योंकि धीरे धीरे आपको जो है और भर्तियाँ जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो आपको क्या करना है पता ही है। मिलता हूँ इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।